हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे यार। तो मैं हूँ हर्ष, आप देख रहे हो दी हर्ष का। तो बहुत ज़्यादा स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ब्रांड न्यू सीरीज़ लाया हूँ आज, बेन 10 ओमनीवर्स, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट कार्टून है बचपन से, और बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे हमेशा। और पहली बार इसका गेम प्ले सीरीज ला रहा हूँ चैनल पर, पहली बार मैं गेम को ढंग से खेलूंगा। देखो यार, सबसे पहली बात बताता हूँ आपको, अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब बटन नहीं करा तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर लेना। एम रख रहा हूँ फिर से 20 लाइक कर देते, एम नहीं रख रहा बड़ा मैं, ठीक है। तो और एक बात बता देता हूँ, गॉड ऑफ वॉर सीरीज बंद नहीं हुई है, जितने भी लोग सोच रहे हैं बंद हो गए, नहीं बंद नहीं हुई है, वो सिर्फ रुक गई है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसका जो गेम है वो मेरा फोन एंड्रॉइड 11 पहुंच चुका है, अपडेट कराया मैंने, तो इस वजह से डायमंड पीस 2 क्रैश कर रहा है। जब तक डायमंड पीस 2 कोई अपडेट नहीं आता है, डायमंड पीस 2 वाले से फिक्स नहीं करते हैं, जब तक मैं उस गेम को नहीं खेल सकता अपने फोन में, तो इस वजह से मैं उसको सीरीज को थोड़े रोका है। जिस दिन वो गेम चलने लगेगा फिर से मेरे फोन में, फिर से सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी, वहीं से जहाँ से गेम छोड़ा था मैंने, ठीक है। तो बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो यार, सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ पर आपके आपके सपोर्ट के ऊपर, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे सीरीज को तो मैं सीरीज रोक दूंगा, कोई और सीरीज स्टार्ट करूंगा। पर फिलहाल ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक नहीं आपको आपको कोई डिमांड नहीं आ रही। आपसे मैंने पूछा था, पर आपने कुछ लोगों ने स्पाइडरमैन की डिमांड करी, कुछ लोगों ने गॉड ऑफ वॉर की डिमांड करी है, पर वो देखो यार वो गेम अलग है। मैं अभी नहीं चाह रहा स्पाइडरमैन डालना या गॉड ऑफ वॉर डालना, गॉड ऑफ वॉर ऑलरेडी मेरे चैनल पे स्पाइडरमैन के गेम्स भी हैं और गॉड ऑफ वॉर गेम भी हो चुका है एक, तो मैं कुछ और नया लाना चाह रहा था, अलग टाइप में अलग गेम। तो ये बेन 10 ओमनीवर्स गेम है जो कि काफ़ी फेमस गेम है, काफ़ी अच्छा गेम है, PS3 एक्सबॉक्स का गेम है जो कि वाई के अंदर कन्वर्ट होकर चलता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गेम को, अपने गेम डाउनलोड कर लेना, आपको वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक है, जाकर डाउन कर सकते हैं वहाँ से आराम से गेम को। तो स्टार्ट करते हैं इस गेम को, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ प्रेस ए। ओके तो मैं हल्का सा थोड़ा सा खेल चुका था पहले आपको दिखाने के लिए, जो आपको वीडियो में दिखाया था वही है बस, मैं फिर भी दोबारा स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। ओके तो मैं इसे 720p में खेल रहा हूँ, ठीक है। थोड़े ग्राफिक्स मैंने हाई कर रखे हैं तो मेरे फ़ोन में चल पा रहा है, अगर आपके फोन नहीं चल पाता तो आप थोड़े लो क्वालिटी में खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे क्वालिटीज़ का, मैंने देखा है हल्की सी भी डिटेल आ जाती है, बहुत हल्की सी शार्पनेस बस, बाकी तो 3D ग्राफिक्स से इतना कोई आपको फर्क नहीं देखेगा। और जो बेन 10 ओमनीवर्स 2 है वो गेम बहुत अच्छा है, उसके ग्राफिक्स बहुत प्यारे हैं, मैंने ग्राफिक्स देखे हैं उस गेम के, तो वो गेम भी आएगा बाद में, आएगा अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी ट्रेनिंग टाइम है, ये मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो वो कर लेता हूँ। देखो मुझे कंट्रोल्स सीखने हैं, ठीक है। तो एक बंदे ने मुझे और कमेंट करा था कि भाई बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का गेम प्ले डालो, वो गेम मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ, सॉरी कमेंट नहीं करा था, मैसेज करा था इंस्टा पे, मैं नाम बोल रहा हूँ सॉरी, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, आपको ही कह रहा हूँ मैं, आपने अच्छा सजेशन किया था। पर देखो यार वो गेम काफ़ी मैं खेल चुका हूँ कई बार, सही बताऊँ 3 बार खेल चुका हूँ उस गेम को, पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ, और गेम काफ़ी अच्छा है पर काफ़ी पुराना हो चुका है वो गेम, और डिमांड उसकी बहुत कम है अब। और देखो आप जानते हो आज के टाइम में जितने कंपटीशन है गेमिंग कम्युनिटी में, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, तो हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा लाना पड़ता है जो कि ट्रेंड में हो, थोड़ा नया हो और थोड़ा अलग हो, तो मैं वही कोशिश करता हूँ हमेशा कुछ अलग और नया लाने की। तो बेन 10 ओमनीवर्स अगर आप कमेंट करोगे, डिमांड आएगी काफ़ी चल कभी बहुत ज़्यादा, मैं ज़रूर ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिलहाल नहीं ला रहा उस गेम को मैं, ठीक है। आप चाहो तो कोई अच्छा गेम बता सकते हो जिसमें स्टोरी मोड, देखो स्टोरी मोड एक्शन और थ्रिल, ये गेम अगर गेम में है और गेम चल सकता है, अगर आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं, आपको सिर्फ नाम बताऊँ, ठीक है, जहाँ PS3 का भी होगी एक बार बता दो, मैं चेक कर लूँगा, अगर वो गेम एंड्रॉइड में चल सकता है तो मैं कुछ जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट्स वैसे लोग कम करते हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी चैनल थोड़ा छोटा है, काफ़ी छोटा है अभी चैनल, और काफ़ी चैनल को भी उठाना है, काफ़ी ऊपर पहुँचाना है, आपके सपोर्ट के साथ पहुँचेगा अगर सपोर्ट करोगे तो। और सब्सक्राइबर रेशो काफ़ी गिरती आ रही है मेरी, अब पता नहीं क्यों सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों। और बहुत से लोग मैंने देखा जो सब्सक्राइब करते हैं फिर इंस्टा फॉलो करते हैं फिर अनफॉलो कर देते हैं, पता नहीं यार एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हालांकि उनको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, और साथ में उनको गेम भी पसंद आता है, फिर भी जब उनका गेम डाउनलोड हो जाता है चल जाता है, उसके बाद वो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। ओके हाँ बंदे, तो देखो इसके अंदर मुझे फिलहाल 4 एलियंस मिल रहे हैं, शायद और भी हैं, फिलहाल मैं 4 एलियंस को चेंज कर सकता हूँ, ये जो आपको ये स्टिक ऊपर वो दिख रही है बटन उनसे, तो ये काफ़ी सही है ना, सही। वैसे मैं सही बताऊँ कि गेम्स को थोड़ा और अच्छा बना सकते थे मेरे हिसाब से, तो ये जो एंगल थोड़ा तोड़ से दिखाया है इन्होंने कैमरा एंगल गेम का, ये थोड़ा सही नहीं लगता मुझे, बस यही चीज़ बेकार लग रही है पूरे गेम, बाकी तो गेम बिल्कुल सही है। और बस एक मैं एक बात और जान जाता हूँ, जो PS3 स्पाइडरमैन मैंने आपको शेडेड डायमेंशन गेम दिया था, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने कमेंट्स पढ़े थे कुछ लोगों के, कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये गेम PS3 का नहीं है, मतलब PS3 का जानता हूँ नहीं है, पर उसके ऐसा नहीं है, सेम नहीं है गेम, अलग है भाई। अगर आप यूट्यूब पर जाकर चेक करोगे PS3 स्पाइडरमैन शेडेड डायमेंशन गेम प्ले, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही गेम प्ले है, कि उसके स्टोरी मोड सेम है, डायलॉग सेम है, एक ही चीज़ सेम है उसके अंदर,
थोड़ी बहुत हल्के, बस एक क्या फ़र्क है मेनली ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसके थोड़े से लो हैं मेरे हिसाब से, थोड़े से लो लगते हैं मुझे, बाकी तो कोई उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम गेम है। आपको अगर PS3 का गेम एंड्रॉयड में खेलने मिल रहा है सही स्पेक्स में सही तरीके से, तो कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके तो यहाँ वाइल्ड मत की मुझे यहाँ कुछ सेंसेस यूज़ करना है जिससे कि मैं लोकेट कर सकूँ कि जहाँ पर मुझे जाना है, जहाँ तक एनिमीज़ के फुटप्रिंट्स को स्मेल कर रहा है ताकि पता लगा सके वो आखिरी बार कहाँ गया था। सही है यार, सही है सही है। अच्छा वो इधर से होता हो गया था, इधर से उधर से, ठीक है। हाँ मैं एलियंस का नाम जानता हूँ, देखो मैं बहुत बड़ा वाला फ़ैन रहा हूँ और जानते हो आप मैं ड्राइंग करता हूँ, मुझे ड्राइंग का शौक है, मैं मेरे पास बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, सही बताऊँ मैंने जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत ड्राइंग्स बनाई है बेंटेन की। ओके तो इससे मुझे पावर्स भी लेंगे जाते हैं। ये लगभग ऑर्डर जैसा ही है पावर एप्स वाला सिस्टम इसके अंदर। ठीक है बंदों को मार लिया बस खत्म हो गई है, सही है। इस गेम का मेन विलन कौन सा हुआ, साइफो हाइपर खाइबर, सॉरी खाइबर उसका नाम हाइपर, काफ़ी टाइम हो गया देखे भाई मुझे कार्टून, अब तो छोड़ दिया बिल्कुल देखना, शायद आता भी नहीं है अभी, है ना। वैसे जितने भी बेंटन फैंस हैं मुझे सही बताओ, सही सही बताना, बेंटन हमने मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था कि बेंटन क्लासिक सीरीज ज़्यादा अच्छी लगी थी। Sorry? Wow, this is a really accurate simulation. Give me that! I'm doing it wrong! I am not. I'm following the instruction manual. There's no Omnitrix manual! I am almost part of the game manual! ये यार सही बताऊँ तो काफ़ी सही है, सच में ये कैरेक्टर देख सकते थे यहाँ पर, ये जो दिया है इन्होंने इस पेपर पेपर उसको फोटो लगा के बैग मार के सच में देख सकते थे, ये अच्छा लगता देखने में। डायमंड यार इसमें ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है, ये जो एलियन बनता है तो ये तेरह से राउंड मतलब अपने एलियन का नाम क्यों नहीं लेता जैसे लेता था इसमें, भले लगता था देखने में। लगता है थोड़ी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेगी बैंक के लिए, टाइम काफ़ी कम है यार मेरे पास यहाँ इंफॉर्मेटिव्स का, कुछ सेकंड्स के लिए मिलता है सर, 10-15 सेकंड के लिए बस, सही है सर। मैंने बैटिंग के सारे गेम्स खेले हैं बस, बैंडन यूनिवर्स स्पोर्ट यूनिवर्स 2 को छोड़ के बाकी सब खेले हैं जितने भी मुझे दिखे थे,
सीरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस गेम की, बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम है कि मतलब सही बताऊँ इस कार्टून ने ना पूरा बचपन बना रखा है हमारा, यादें हैं मेमोरीज बहुत ज़्यादा इस कार्टून से। आजकल के शायद बच्चे देखते भी नहीं हैं ऐसे, जानते भी नहीं बेंटन कौन है। ओके तो मुझे ये ऐसे जाना है ऊपर को, यार मैं सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस कैनन बोल्ट को। एक तो आज तक पता नहीं चला सारे एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म क्या थे, कुछ एलियंस के पता है मुझे अल्टीमेट फॉर्म, सबके देख ही नहीं पाया कभी, दिखाया नहीं यार कभी, पता नहीं क्यों ऐसा करा उन्होंने। ओके तो चल ट्राई करते हैं दोबारा से, पता सच बताऊँ मैंने पढ़ा नहीं जो लिखा आया था, मैं सिर्फ अपने हिसाब से कर रहा हूँ जो मुझे बड़े बड़े बटन दिखे थे खाली, मैंने पढ़ा ही नहीं उन्होंने क्या लिखा भेजा था, यही मेरी गलती है, यही मैं हमेशा करता हूँ, मैं हिंट्स और नोट्स को पढ़ता नहीं गेम्स कभी भी, ऐसे खेलने बैठ जाता हूँ। अरे वहाँ नहीं जाना, उसका एम बहुत ख़राब हो रहा है, एम सही करता हूँ उस बार, पूछा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो बस यार छोड़ो तो नहीं, देखो यहाँ तक हो चुका है और ट्रेनिंग मोड खत्म हो चुका है इसका, और गेम काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे। देखो यार जितने भी लोगों को ये पार्ट पसंद नहीं आया था, अगला पार्ट पसंद आया क्योंकि गेम का ट्रेनिंग मोड था इस पार्ट में, क्योंकि इसलिए आपको पसंद नहीं आया होगा। आगे गेम बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आएगा खेल देखने पे, और जितने भी लोग डाउनलोड नहीं कर लेना, 1 GB का गेम है, सिर्फ 1 GB का, बहुत छोटा गेम है, हर फोन में चल जाएगा, 3 GB से 6 GB, 1 GB और 2 GB वाले ना करें, पहले ही बता रहा हूँ, प्लीज़ आप ना करें ये, मैं आपको सही बताऊँ झूठ नहीं बोलूँगा, कोई फायदा नहीं आपका नेट वेस्ट होगा, ठीक है। तो बस आप आज छोड़ इतना, बाय टेक केयर, और गेम डाउनलोड कर तो कर लेना, फिर कह रहा हूँ बढ़िया गेम है, तो लिए बाय टेक केयर, गेमिंग करते रहो, खुश रहो, घर में रहो, मजे में रहो, गेमिंग करते रहो, बाय टेक केयर।